नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं आज आपके लिए फिज़िक्स की एक और न्यू वीडियो लेके आया हूं इसे आप एज़ ए मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहां पे हम चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं तो मैं आज आपके साथ यहां पे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन स्टडी करूंगा एंड आप हमें लास्ट में कमेंट करके ये बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए हैं कैज़ ये मैं लाइव स्ट्रीम में करने वाला था बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगी बट हम यहाँ पे आपके लिए वीडियोस ही लेके आए हैं तो ये चैप्टर नंबर थ्री है इलेक्ट्रिसिटी टू चैप्टर के एन सी के क्वेश्चन हम स्टडी कर चुके हैं तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ कनेक्टेड टू वोल्टेज सप्लाई आफ्टर फ्यू सेकेंड करंट गैट इट्स स्टडी वैल्यू देन इट्स इनिशियल करंट बिल भी अब ये कहता है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसे एक सप्लाई दी गई है करंट की जिसकी वोल्टेज आपको गिवन है एंड कुछ टाइम बाद जो है जो करंट उसको जा रहा है वो स्टडी करंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इटविन कॉन्सटेंट फ्लो में चल पड़ता है इट्स इनिशियल करंट तो जो उसका इनिशियल करंट था जो कि हमने उसको स्टार्टिंग में दिया था वो कितना होगा इक्वल टू इट्स स्टडी करंट स्लाइटली हायर देन इट्स करंट स्लाइटर लेस या जीरो तो आप देखोगे तो वो आपके पास स्लाइटर हाई होगा ओके जो इनिशियल करंट था आपके पास इट विल बी स्लाइटर हाई देन द स्टडी करंट तो स्टडी करंट जो है आपके पास थोड़ा सा कम हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास इन दीरिज ऑफ़ कम्बिनेशन टू और मोर देन टू रजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे बताया गया है इन अ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रजिस्टेंस अगर दो से ज़्यादा या दो रजिस्टेंस को हमने सीरीज में कम्बाइन किया है तो हमारे पास क्या बनेगा द करंट थ्रो ईच रजिस्टेंस इज सेम द वोल्टेज थ्रो ईच रजिस्टेंस इज सेम ना इधर करंट नॉर वोल्टेज थ्रो ईच रजिस्टेंस इज सेम या बोथ करंट एंड वोल्टेज थ्रो इच रेजिस्टेंस द सेम तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके पास सही होगा द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इच सेम आपके पास जितने भी रेजिस्टेंस लगी होगी या रजिस्टर लगे होंगे उनमें जो भी करंट पास होगा वो एक समान आपके पास होगा थर्ड हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर फाइव क्यू फोर पॉइंट फाइव क्यू एंड थ्री क्यू इन सच वे दैट द टोटल रजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन इज मैक्सिम आपके पास थ्री रजिस्टर्स हैं जिनको कम्बाइन किया गया है बट थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है क्योंकि इन्होंने ये शो नहीं किया है कि ये सीरीज में है या पैरल में है तो आप इन तीनों रजिस्टर्स को इन सीरीज भी चेक कर लीजिए एंड यहाँ पर आप इनको पैरल भी चेक कर लीजिए एंड आपको यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इसका आंसर बनेगा वो है आपके पास ट्वेल्व पॉइंट फाइव इट मीन रजिस्टर आपके पास किस में लगे होंगे ये क्वेश्चन आपके लिए है क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब आप फाइव प्लस फाइव करते हो टेन आएगा एंड ओके okay. तो ये आपके पास सभी को प्लस किया गया है यानी आप इनको आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इक्वल टू आर इक्वलेंट कह सकते हैं तो यहाँ पे अब आपको ये बताना है कि हमने इनकी सीरीज में चेक की है या पैरेलल में फार्मूला मैंने आपको बता दिया अब आपको सिर्फ यही बताना है कि ये सीरीज का फार्मूला है या पैरेलल का फार्मूला है नेक्स्ट हमारे पास उस सेल ऑन ई एम एफ ई एंड इंटरनल रजिस्टेंस आर इज कोनेक्टिंग अक्रॉस वेरिएबल एक्सटर्नल रजिस्टेंस आर एज द रजिस्टेंस आर इज इंक्रीजिंग द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस आर इज गिवन एज तो यहाँ पे आपके पास ई e जो है ई एम एफ को रिप्रेजेंट कर रही है आर रजिस्टेंस को कर रहा है एंड इन्हें कोनेक्ट किया गया है रजिस्टर जो कि बाहर है आर तो पोटेंशियल डिफरेंस बी है एंड यहाँ पे आपको सभी टर्म गिवन है तो आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा एंड द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड अक्रॉस आर इन वी एंड आर में कौन सा ग्राफ जो है आपके पास यहाँ पे बनेगा तो अगर आप देखोगे तो दिस ग्राफ जो है आपके पास यहाँ पे बन जाएगा नेक्स्ट हमारे पास इन पैरल कम्बिनेशन ऑफ एन सेल बी ओ अगर हम किसी सेल को पैरल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा मोर वोल्टेज मोर करंट लेस वोल्टेज लेस करंट तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे मोर करंट अगर पैरेलल में एल या सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा मोर करंट्स नेक्स्ट है हमारे पास इफ एन सेल ईच ऑफ ई एम एफ ई एंड इंटरनल रजिस्टेंस आर आर कनेक्टिंग इन पैरेलल तो आपके पास एन सेल है उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है देन टोटल ई एम एफ एंड इट्स इंटरनल रजिस्टेंस तो ई एम एफ कितनी होगी उसकी एंड uh, उसकी रजिस्टेंस कितनी होगी तो ई एम एफ कितनी आएगी आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे आप एप्सनल या ई e के साथ डिनोट कर सकते हैं एंड uh, जो आपके पास इसकी रजिस्टेंस है वो होगी आर अपॉन एन ओके आर है आपके पास रजिस्टेंस एंड यहाँ पे एन हैस नंबर ऑफ सेल्स तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास राइट right आंसर है नेक्स्ट हमारे पास इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड द गैलबेनोमीटर आर इंटरचेंजेस देन द डिफ्लेक्शन इन गैलबेनोमीटर विल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है आपके पास इफ द बैटरी एंड द गोल्बिनो मीटर इंटरचेंज अगर हमने जो बैटरी है एंड जो गलबिनोमीटर इनको इंटरचेंज कर दिया बैटरी की जगह गलबिनो मीटर को लगा दिया एंड गोलबिनोमीटर की तरह जगह बैटरी को लगा दिया देन द डिफ्लेक्शन इन गेलबिनोमीटर तो गलबिनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगी वो किस तरह से आएगी तो गाइज इस अगर जब ऐसा करोगे तो कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा बी जो है आपके पास राइट आंसर है नेक्स्ट है हमारे पास वेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टिंग टू लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज इज हीटेड द बैलेंसिंग पॉइंट आपके पास एक मेटल कंडक्टर है जिसे कनेक्ट किया गया है लेफ्ट ऑफ ए मीटर ब्रिज ओके इज हीटिंग तो आपको बताना है जो उसका बैलेंसिंग पॉइंट है वो किस तरफ को शिफ्ट करेगा जब आपके पास लेफ्ट साइड है तो वो आपके पास शिफ्ट करेगा राइट right साइड को सो शिफ्ट टू राइट नेक्स्ट है हमारे पास इन अ पोटेंशियल मीटर ऑफ टेन वायर द बैलेंस पॉइंट ऑफ टेन ऑन द सेवंथ वायर आपके पास एक पोटेंशियल मीटर है जिसमें टेन वायर्स हैं आपके पास एंड उनका बैलेंस पॉइंट जो है वो सेफ सेवंथ वायर के ऊपर है द शिफ्ट द बैलेंस पॉइंट टू नाइन नाइन्थ वायर वी शुड अगर हमें जो बैलेंस पॉइंट है वो नाइन्थ वायर की तरफ शिफ्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए तो अगर आप देखोगे तो हमें उसकी रेजिस्टेंस को सीरीज में इंक्रीज करना पड़ेगा सो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे राइट आंसर होगा इंक्रीज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सेल हुज ई एम एफ इज टू बी डिटरमाइंड ओके नेक्स्ट है हमारे पास ए बी इज अ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। मीटर यहाँ पे आपको ए बी बताया हुआ है विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस आर द शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट जे विल बी तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास ए बी वायर है जिसका पोटेंशियो मीटर के साथ वो ऐड है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है एंड द जो शिफ्ट है बैलेंस की वो जे की तरफ है तो वो किस तरफ को शिफ्ट होगा आपके पास ए की तरफ बी की तरफ या वो आपके पास रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा तो जब आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो ये आपके पास बी की तरफ को शिफ्ट करेगा सो टू बार बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारे पास चार्ज इज मूविंग अक्रॉस जंक्शन दैन कोई भी चार्ज है जो कि मूव हो रहा है जंक्शन में तो क्या होगा मोमेंटम विल कंजर्व नॉट कंजर्व या मोमेंटम विल बी कंजर्व एट सम अदर प्लेसेस मोमेंटम विल बी नॉट कंजर्व तो आपके पास क्या होगा इसमें नन ऑफ दीज यानी कोई भी आपके पास यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगी नेक्स्ट हमारे पास वेन सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग आई वी ग्राफ रिप्रजेंट ओहमिक कंडक्टर आपके पास जो भी कंडक्टर ओहम लॉ को फॉलो करता है वो आपके पास ओहमिक कंडक्टर होगा तो कौन सी जो आपके पास यहाँ पे डायग्राम है या आपके पास ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ओहम लॉ को तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया है तो अगर गाइज आप देखोगे तो आई यानी करंट इंटू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हैं सो so, फर्स्ट जो है आपके पास ओह लॉ को रिप्रेजेंट करता है एंड नॉन ओहम को कौन करता है नॉन ओहम का आपके पास कुछ इस टाइप में जो है ग्राफ आता है नेक्स्ट हमारे है पास लीजिए यहाँ पे यही क्वेश्चन आ गया द आई बी शोन इन फिगर रिप्रेजेंट आपके पास यहाँ पे फिगर है अभी मैंने आपको ये बता दिया था कि किसका ये होगा आपके पास अगर ऐसा होगा तो ओमिक कंडक्टर होगा एंड अगर आपके पास कुछ इस टाइप में यहाँ पे आएगा तो ये आपके पास नॉन ओमिक कंडक्टर होगा क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है सो बी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है अगेन आपके पास यहाँ पे एक और ग्राफ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वी आई ग्राफ ऑफ ए कंडक्टर तो यहाँ पे पूछा गया है वी आई जो कि अच्छा कंडक्टर है आपके पास तो जब आपके पास एक गुड कंडक्टर होता है तो वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो आपके पास किस टाइप का जो है ग्राफ आएगा तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो आपको सही लगेंगे दिस एंड दिस बट थोड़ी सी यहाँ पे डिप्लेक्शन भी होती है सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपके पास राइट right आंसर होगा नेक्स्ट है हमारे पास अब थोड़े से यहाँ पे नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन है तो आइए इसको भी जानते हैं द स्पीड एट विच द यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है द करंट ट्रेवल इन अ कंडक्टर इज नियरली जो आपके पास स्पीड है किसी भी करंट की इन कंडक्टर वो कितनी आपके पास होती है तो गैस कोई भी कंडक्टर है जिसमें जो करंट है उसकी स्पीड कितनी होती है आपके पास थ्री इंटू टेन रेज टू पावर फोर मीटर सेकेंड इनवर्स ओके ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास राइट right आंसर है नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो ह्यूमन बॉडी की कितनी रेजिस्टेंस होती है अगर आपको इसका आइडिया है तो गैस आप हमें कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं तो रेजिस्टेंस कितनी होगी ह्यूमन बॉडी की ट्वेल्व सॉरी नॉट ट्वेल्व दैट इज ट्वेल्व के ओ हम ओके सो सी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट हमारे है पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट बन एमीटर ऑफ करंट इज तो कितना करंट या कितने इलेक्ट्रॉन जो है बन एम्पियर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी टाइम मैंने आपके साथ स्टडी किया था वन कूलम इक्वल टू करोगे आप तो सिक्स पॉइंट टू फाइव सॉरी गाइज तो यहाँ पे जो आपके पास राइट right आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू पावर एटीन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी डिफरेंट रजिस्टेंस आर पॉसिबल विद टू इक्वल रजिस्टर अगर आपके पास दो इक्वल रजिस्टर हैं तो उसमें कितनी रजिस्टेंस जो है वो पॉसिबल हो सकती है तो अगर आपके पास दो इक्वल रजिस्टर हैं तो आपके पास तकरीबन तीन रजिस्टेंस जो है वो पॉसिबल हो सकती है ओके okay? नेक्स्ट है हमारे पास गिवन थ्री इक्वल रजिस्टर हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन टेक ऑल ऑफ देम टूगैदर कैन भी अब यहाँ पे आपके पास थ्री है जब आपके पास टू थे तो आपके पास कितनी बनी थी आपके पास थ्री बनी थी यहाँ पे हमने अभी देखा आपके पास थ्री बनी थी तो यहाँ पे आपके पास थ्री रजिस्टर्स हैं अब आपको उनको इक्वल यानी इकट्ठे रखना है यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है आपको तो अगर आप देखोगे तो जब आपके पास थ्री प्रजेंट होंगे तो आपके पास फोर आएगा जब आपके पास टू थे तो आपके पास थ्री आया जब आपके पास थ्री होंगे तो आपके पास फोर कॉम्बिनेशन इनके आएंगे तो बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अली मेटल इज मोस्टली इफेक्टेड बाई यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इज मोस्टली इफेक्टेड बाई यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ऑफ एन हो सकता है यहाँ पे ऑफ एन मेटल इज मोस्टली इफेक्टेड बाई तो जो मेटल है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नॉट सिंपल रेजिस्टेंस बल्कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं इट मीन हमने एक फिक्स पार्ट की बात कही है जैसे मान लीजिए वन सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम वाले की बात कही है एक फिक्स पैटर्न की तो वॉल्यूम तो उसका ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी इतनी होगी प्रेशर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है बट टेम्परेचर का इफेक्ट होगा क्योंकि टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पैदा होता है नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रजिस्टेंस नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल कौन सा है कॉपर वायर ओमिक है फिलामेंट फिलामेंटलेम्प आपके पास ओमिक है कार्बन रजिस्टर भी आपके पास ओमिक है बट जो डायोड है आपके पास वो नॉन ओमिक का एग्जाम्पल है आपके पास नेक्स्ट हमारे पास इफ सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज टू बी शेप इंटू अ कंडक्टर ऑफ मिनिमम रजिस्टेंस इट्स लेंथ इज एल एरिया ऑफ क्रॉक्सन इज ए शेल रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पे पूछा गया है आपके पास कि एक कॉपर वायर है आपके पास को शेप दी गई है इनर कंडक्टर कि उसकी मिनिमम रजिस्टेंस हो जाए तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इट्स लेंथ जो है एल है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है शेल वी तो कितना हो सकता है वो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो पॉसिबल आपके पास टर्म बनती है तो इसका आपके पास टू एल एंड टू ए जो है आपके पास यहाँ पे इसका आंसर बन सकता है बट यहाँ पे सॉरी थोड़ा इसकी जो एल अपॉन टू एंड ए यहाँ पे बनेगा आपके पास ओके okay? क्योंकि लेंथ तो इसकी कम हो जाएगी इंक्रीज थोड़ी होगी सो so, बी आपके पास यहाँ पे बनेगा नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रॉड ऑफ कॉपर की उसे हम कंपेयर करते हैं विथ थिन वायर ऑफ कॉपर तो एक आपके पास जो साइज़ ज़्यादा है एक आपके पास साइज़ कम है बाकी दोनों मेटल जो है सेम है तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो गाइज मैंने आपको पहले भी कहा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर डिपेंड करती है तो अगर आप यहाँ पे किसी की जो वन सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम भी लेंगे तो अगर आप देखोगे तो जो आपके पास मोटी वाली वायर होगी उसका थोड़ी लेंथ लेंथ कम हो हो जाएगी जाएगी एंड जो आपके पास पतली होगी उसकी ज़्यादा इट मीन रजिस्टेंस दोनों की सेम रहेगी तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास द वायर ऑफ रजिस्टेंस थ्री ओह इज कट इन टू थ्री पीसेस आपके पास एक वायर है जिसकी रजिस्टेंस थ्री ओह उसको एंड ज्वाइन टू मेकिंग अ ट्राइंगल टोटल कितनी थी इसकी थ्री ओहमिक थी ओके अब इसको ज्वाइन कर दिया ट्राइंगल में इट मीन ये एक सीरीज में आपके पास कन्वर्ट हो गई है तो आपको इक्विवेलेंट रजिस्टेंस बिटवीन एनी कॉर्नर ऑफ द ट्राइ एंगल इज तो आपको इसकी इक्विवेलेंट रजिस्टेंस बतानी है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब हम रजिस्टेंस यानी वायर को कट करते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है बट जब आप इसकी कॉर्नर के ऊपर देखोगे तो इसकी जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आएगी वो आएगी टू अपॉन्ट थ्री ओव ओके सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपके पास इसका राइट right आंसर बनेगा तो so गाइज़ आज हम इतना ही क्वेश्चन स्टडी करेंगे बाकी आगे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और भी हैं जो हम आपके साथ कल स्टडी करेंगे सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे